नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो मीडिया वन चैनल के साथ। आज जो है वो जेके बोस 10th क्लास का रिजल्ट जो है वो आउट हुआ है और हमारे साथ एक दो मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही प्यारे से ये मेहमान हैं जिन्होंने 10th क्लास में जो है बहुत ही अच्छी रैंकिंग जो है वो हासिल की है, ये हम इनसे ही जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ जो हैं वो मैं अपने चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। अपना नाम बताइए। दिशा जैन। किस स्कूल से हो? महाराजा हरि से। कितनी परसेंटेज जो है वो आपने 10th क्लास में अभी हासिल की? 98.8 परसेंटेज जो है वो इन्होंने हासिल की है। कैसा महसूस हो रहा है इतनी अच्छी रैंकिंग हासिल करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल ऐसा कुछ हो रहा होगा? हाँ, ऐसे मतलब इस बार थोड़ा चेंज भी हुआ था ना पैटर्न में कि ऐसे पेपर करना है ऐसे जी जी। तो थोड़ा था भी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट आ गए अच्छे, मतलब मेहनत तो की थी। पर जी जी, बहुत ज़्यादा मेहनत इन्होंने की थी और बहुत ही अच्छी रैंकिंग इन्होंने लाई है। और मैं इसके साथ ही बता दूं आपको कि कोविड का दौर भी इस सेशन में रहा है और कितना मुश्किल था आपके लिए ये रैंकिंग हासिल करना और इतनी अच्छी नंबरिंग लाना? वो तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई है, मतलब जितनी अभी जैसे हमने अभी जितना पढ़ा है ना उससे भी मतलब और ज़्यादा हम पढ़ सकते थे अगर हम स्कूल्स वगैरह हमारे अच्छे से खुले होते और सब कुछ ऐसे ठीक रहता। कोविड ने ऐसे बहुत वो की थी, प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बट फिर भी जैसे घर पे ही हम पढ़ रहे थे, घर पे जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चली रही थी तो उसमें भी मतलब उससे भी बहुत हेल्प हुई और मतलब घर पे ही ऐसे खुद मेहनत की और मतलब आगे। और एक और हमारे साथ मेहमान हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से मैं दूंगा। अपना नाम बताइए और कितनी रैंकिंग आपने हासिल की है? मेरा नाम अदिति शर्मा और मैंने 98.6% सिक्योर की हैं। जी जी, कितना मुश्किल था ये रैंकिंग हासिल करना? जी मुश्किल भी था, बट अपने हार्डवर्क पर भी हमको कॉन्फिडेंस था कि हम ला सकते हैं अच्छा। और इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे आप? क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और फ्रेंड्स को भी और अपने आप को भी। जी, और आप? मैं भी फ्रेंड्स, टीचर्स, अपने आप को। जी जी, अपने आप को तो देना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम खुद से ही मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हमारे ऊपर बाकी वाले मेहनत कर पाएंगे। तो फ्यूचर प्लान जो है वो क्या है आपके? मेरा डॉक्टर बनने का एम है। जी, और आपका? मेरा CA। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत जो है वो आप करते रहिए और मेहनत करोगे तभी आपको अच्छा फल जो है वो मिलता है। और कुछ सहपाठी आपके ऐसे भी होंगे जो इस क्लास में पीछे रह गए होंगे या अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, उनके लिए क्या संदेश जो है वो आपका रहेगा? मार्क्स, सबसे पहले तो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। उन्होंने बहुत मतलब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ने बहुत अपना पूरा मतलब 100% देने की कोशिश की थी। जी जी, बट अच्छी भी परसेंटेज आई है सबकी, बट जिनकी नहीं आई है मतलब थोड़ी जिनकी अपने जितना उनने सोचा था उनसे जिनकी कम आई है उनको भी मतलब इतना मतलब निराश वगैरह नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आगे भी बहुत सारे मतलब टाइम, जैसे 12th का भी है अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम, आगे भी कितने सारे हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, उन सब में मतलब उनको बस हार्डवर्क करना है, अपना बस मतलब फुल कॉन्फिडेंस रखना है अपने पे, मतलब पूरी मेहनत करनी है, हो जाएगा। जी, तो बहुत ही प्यारा सा संदेश इन्होंने अपने सहपाठियों के लिए दिया है कि मेहनत कीजिए, नंबरिंग इतनी मैटर नहीं करती है। अगर इस बार आपके कम आए हैं तो अगर आप मेहनत करते हो तो अगली बार जो है वो आप इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हो। तो ये दोनों प्यारी सी बच्चियाँ जो हैं ये हैं महाराजा हरि सिंह स्कूल उधमपुर की, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा इस रिज़ल्ट में परफॉर्म किया है। जैसे ही हमारे साथ कोई भी अपडेट जो है वो साझा करता है हम आप तक जो है वो ज़रूर उसको पहुँचाएँगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा नाम है अजय। जय हिंद।